लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए। उस समय तो विभाजन नहीं हुआ था, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, गोरक्षा आंदोलन कांग्रेस का था। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, भारत माता की जय का नारा कांग्रेस का था। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, गांधी जी को पूछा जाता था, गांधी जी मुल्क आजाद होगा तो कैसा भारत होगा, आपके सपनों का भारत कैसे होगा, तो गांधी जी कहा करते थे, जैसा राम राज होता था वो भारत मेरे सपनों का भारत होगा। ये जो सेकुलर का जो चोला पहने और जो झूठा इतिहास हमारे लोगों को बताया जाता है, इससे हमें बाहर आना होगा, पहले आना होगा। गांधी सेकुलर नहीं थे, गांधी कम्युनल थे। नेहरू सेकुलर नहीं थे, नेहरू कम्युनल थे। गांधी और नेहरू ने मिलकर भारत का विभाजन किया। गांधी और नेहरू ने मिलकर भारत का विभाजन किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में मौलाना भी मौजूद थे और मौलाना ने उस दिन जो घटना हुई उसका तफसील से अपने किताब में जिक्र किया। और जब मौलाना ने अपनी किताब को छापना चाहा तो नेहरू ने हाथ जोड़कर कहा, ये बुद्धा आप दबाओ, और कुछ किस्तों के बाद 20 30 40 साल के बाद लगा तो आप इसको छाप दो। मौलाना ने जो अपनी बायोग्राफी लिखी उसमें से 60 पन्ने आज भी गायब है। भारत का विभाजन क्यों हुआ मालूम है साथियों? भारत का विभाजन इसीलिए किया गया क्योंकि 1942 में यह तरक्की बनाई दी गई थी, अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का भारत पर कब्जा जमाने के लिए भारत का विभाजन मनाने की साजिश की गई। भारत को एक बार नहीं तोड़ा गया, 11 बार तोड़ा गया है। हजारों सालों का इतिहास है, नेपाल श्रीलंका ये अफगानिस्तान भारत था। सम्राट अशोक का नक्शा खोल कर देखो, ये एशियंट इंडिया जो था भारत था, जिसको पाली भाषा में जमुद्वीप कहा करते थे। 11 बार तोड़ा, यही 11 तोड़ा। 1946 में लॉर्ड वेवेल ने रेडियो से ऐलान कर दिया कि हम अंग्रेज लोग वतन को भारत को जल्दी छोड़ रहे हैं, मगर भारत को छोड़ने के पहले हम भारत के टुकड़े नहीं करना चाहते। अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया जो वाइसराय था। यह बात नौजवानों को समझने की जरूरत है। इतिहास है, तारीखों के आधार पर आप लोगों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि इतिहास को सही समझोगे तो वर्तमान में फैसला सही होगा। इतिहास को नहीं समझोगे वर्तमान में हमारा फैसला गलत हो सकता है। इतिहास से सबक लेना पड़ता है। लॉर्ड वेवेल ने डिक्लेयर किया कि हम वतन को छोड़ने के पहले भारत के टुकड़े नहीं करना चाहते, बल्कि भारत को हम 3 वारिसों के हिस्से बनाकर उनके हाथ में सौंप कर जाना चाहते हैं। उसने रेडियो से ऐलान किया और 3 वारिस डिक्लेयर किए, घोषित किए। पहला वारिस था हिंदू और हिंदू के नाम पर गांधी और नेहरू। दूसरे वारिस थे मोहम्मद अली जीना, उनकी तंजीम का नाम था मुस्लिम लीग, मुसलमान। दूसरा वारिस रहेगा मुसलमान। और तीसरा वारिस रहेगा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इन तीनों के हाथ में हम सत्ता सौंप कर जाएंगे। जैसे ही लॉर्ड वेवेल घोषित करके चला गया, गांधी जी ने वाइसराय जो आए लॉर्ड माउंटबेटन उसके साथ गुप्तगू की, और गुप्तगू के फोटो भी खींच कर रखे, गूगल पर मिलते हैं, ढूंढो मीटिंग के फोटो। गांधी जी वहां गए और लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि ऐसा करो, डॉक्टर अंबेडकर को यह हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए भारत के टुकड़े करो। मुसलमानों को कोसा जाता है, हम को कोस कर दिखाओ, दिखाते हैं।
ये तो हमारा देश है, उनके अंदर हमारे लोगों को तो झूठी बातें बताती है, गलत बातें बताते हैं। भारत का विभाजन हमको, हमारे पुरखों के आंदोलन को, और हमें इस आजादी में जो हिस्सेदारी मिलने वाली थी, पॉलिटिकल शेयर मिलने वाला था, हमको हुकूक मिलने वाले थे, इसलिए गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ गुप्त समझौता किया, और गुप्त समझौते में कहा डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए भारत का टुकड़ा करो। भारत का विभाजन कहा हुआ मालूम है? कश्मीर के इलाके में, कश्मीर में मुस्लिम बाहुल एरिया था, कश्मीर में हुआ। भारत के दो हिस्से नहीं, तीन हिस्से बने, एक पाकिस्तान नाम का देश ही नहीं बना, दो पाकिस्तान बने। एक पाकिस्तान कश्मीर के इलाके में बनाया, जिसे आज एक अलग राष्ट्र के दर्जा है, मगर दूसरा चार जिलों का मिलाकर दूसरा पाकिस्तान बनाया, और वो चार जिले बंगाल की तरफ थे, उन जिलों का नाम है खुलना, जस्सर, फरीदपुर, बोरीसाल। इन चार जिलों के लोगों ने एक ही गुनाह किया था कि जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस ने नेहरू को नहीं कहा, पटेल को, पटेल ओबीसी था, पटेल का भोपू की तरह मुंह इस्तेमाल किया। आज भी ब्राह्मण लोग आमने सामने नहीं आते, ओबीसी के कंधे पर बंदूक रखते, आमने सामने आएंगे तो 200 साल पहले 500 लोग थे केवल हमारे, और वो 25,000 थे जब आमने सामने आए थे 200 साल पहले 1 जनवरी 1818 को, गोटी गोटी करके मार डाला था। उनको मालूम है आमने सामने लड़ने की औकात नहीं है, उनकी फड़ब इसकी भी नहीं है। 1 जनवरी 2018 को जो अटैक किया, यह देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर किया गया, ब्रेक वोटर उसका कोलाबरेशन में था। उन लोगों ने योजना बनाकर, गांधी ने बयान दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। देखो, सबसे ज्ञानी आदमी, सबसे इल्म वाला आदमी, मुस्लिमों की हक की लड़ाई लड़ने वाला आदमी, उसके साथ कांग्रेस के लोगों ने क्या सुलूक किया? उसको कहा तुम्हारे लिए ये संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। और दुख की बात है, नेहरू, पटेल और गांधी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बॉम्बे से संविधान सभा का चुनाव हरा दिया। वो मायूस हो गए, रोने लगे कि मैं अब किसकी लड़ाई हूं, कैसे मेरे लोगों को हक दिलाओ। ये बात बंगाल के मुसलमानों को पता चला, वहां के अछूत लोगों को पता चला, तो उन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को न्योता दिया और कहा तुम्हारे लिए जो यहूदी ब्राह्मण लोग दरवाजा बंद कर रहे हैं, हम आपको हमारे इलाके से चुनकर भेजकर दरवाजे को लात मारकर अंदर बिठाना चाहते हो। बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र में संविधान सभा का चुनाव हारे, और उस खुलना, जस्सर, फरीदपुर और बोरीसाल इस इलाके से चुनकर भेजे गए, उनको चुनकर भेजा गया। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गांधी और नेहरू ने मिलकर 183 मीटिंगें की और कहा कश्मीर के इलाके में तो पाकिस्तान बनाओ, मगर जिस इलाके से हमने, जिसके लिए दरवाजे और खिड़कियां बंद किए थे, उस इलाके से वो आदमी चुनकर गया, उसको भी पाकिस्तान में धकेल दो। बदला दो पाकिस्तान में, कितना कुर्बानी देना पड़ा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पाकिस्तान 14 तारीख को आजाद हुआ, भारत 15 तारीख को आजाद हुआ। साधारण सवाल, नन्हे बच्चे का सवाल हो सकता है, शायद हमारे दिमाग में नहीं है कि पाकिस्तान एक दिन पहले क्यों आजाद हुआ और भारत 15 अगस्त यानी दूसरे दिन क्यों आजाद हुआ। 2007 में लॉर्ड माउंटबेटन की एक लड़की, अभी जिंदा है, 80 साल की लगभग है, उसने अपनी डायरी लिखी, जिस डायरी का नाम है इंडिया रिमेंबर्ड, यानी इंडिया की, भारत की याद। ये किताब भारत में बैन की राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने, क्योंकि उस किताब में लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन
की बीवी जो थी एडविना और नेहरू, इन दोनों का लफड़ा था। किताब में लिखा, उस लड़की ने लिखा है। पार्टीशन के लिए उन्होंने इसका क्या कहने किया। जब भारत का आजादी का मामला आया तो जिन्ना ने कहा एक दिन पहले हमें आजादी दो, उनको दे दिया। पंडित जी को दिया 15 अगस्त। पंडित जी वाराणसी गए, ज्योतिषा को दिखाया, कहा ये आज कोई शनि तो मंडरा नहीं रहा 15 अगस्त को। तो ज्योतिष वाले ने कहा सही फरमाया, हम देख रहे हैं, अरे शनि मंडरा रहा है 15 अगस्त को, मत भारत को आजादी लेना। फिर लॉर्ड माउंटबेटन के पास आया, माउंटबेटन को कहा ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा तय हो गया, मुकर्रर हो गया, तारीख में चेंज नहीं होगा। फिर दोबारा गए बोफोर्स दिया, बोफोर्स समझते हो राफेल, बोफोर्स घोर घूस दिया। पंडितों को घूस देने से ग्रह तारे बदल देते हैं। तो उन्होंने एक अकल लगाई कि भारत को आजादी दिलाओ, मगर कौन से समय में दिलाओ। तो लॉर्ड माउंटबेटन को समझाओ कि हमें दिन में मत आजादी देना, हमें रात में आजादी देना। इसलिए भारत को जो आजादी मिली तभी हमारे लोग सोए थे, आज हमारे लोगों के आंखें खुली है, दिमाग बंद है, आज भी हम नहीं सोच रहे। भारत को जो आजादी मिली ये मध्य रात की आजादी मिली, जिसको अंग्रेजी में कहते फ्रीडम एट मिडनाइट। दुनिया में जितने गुलाम देश है वो दिन में आजाद हुए, भारत एक लौता ऐसा देश है वो रात के 12 बजे आजाद हुआ। क्यों आजाद हुआ? पंडितों ने सलाह दिया था, ये सलाह दिया था कि रात के 12 बजे तारीख चेंज हो जाएगी, 15 शुरू हो जाएगा, 14 खत्म हो जाएगी। यानी पंचांग को देखकर भारत का भविष्य निर्धारित किया, ये 70 साल उसका नतीजा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 60% ब्राह्मणों को प्रथम लोकसभा में चुना कर लाया, 47% ब्राह्मण चुनकर आए और 47% ब्राह्मण जो 1952 में चुनकर आए उन्होंने पार्लियामेंट पर कब्जा किया। मुसलमान लोग ऐसा मानते हैं कि 2014 से वो सत्यानाश हुआ, मुसलमान लोगों का अपना ख्याल है। वो ऐसा मानते हैं कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से मुसलमानों की सस्ता और खस्ता हालत हो गई है। यह बात हम मान्य नहीं करते, तारीखों के आधार पर, इतिहास के आधार पर। प्रथम लोकसभा चुनाव इसकी चुनाव आयोग की वेबसाइट है, उस पर इसके आंकड़े मिलेंगे आपको, देखो ढूंढो। बाबा साहब अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव के लिए खड़े हुए, उनके खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सातवीं फेल आदमी काजरोलकर उसका नाम था उसको खड़ा किया और वो अपना नामांकन पीछे न ले, इसके लिए काजरोलकर को पंडित नेहरू ने 25,000 रुपए दिए, घुस दिए कि भाई वापस मत लेना। जिसने आईन बनाया, जिसने दस्तूर बनाया, वो शख्स को भारत के प्रथम लोकसभा के चुनाव में हारना पड़ा, 10-15 हजार वोटों की फर्क से हार गए। और उस समय जो डांगे और नेता था इन्होंने कांग्रेस को साथ दिया, इसलिए भारत के अंदर जिसने लोकतंत्र बनाया वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रथम केस दायर किया। उसके बाद हम कर रहे हैं, हमने किया चुनाव आयोग के खिलाफ केस दायर। बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय चुनाव आयोग के खिलाफ केस दायर किया, उसके डॉक्यूमेंट आज भी अवेलेबल है। माने जमहूरियत को लागू करते ही 3% ब्राह्मणों ने धोखा करके 3% ब्राह्मणों का जमहूरियत पर कब्जा करवाया, पार्लियामेंट पर 47% ब्राह्मणों का कब्जा। आप मदरसे में पढ़ते हो तो आपको सही तालीम दी जाती है। हम जिन स्कूलों में पढ़ते हैं भारत में कहने के लिए सेकुलरिज्म है, मगर हम पहली कक्षा में पढ़ते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है कमल का। जब बीजेपी पैदा ही नहीं हुई थी, जनसंघ था, तब से हमको पढ़ाया जाता है क्या कमल का, क्या गणेश का, क्षत्रिय का, कहने के लिए सेकुलरिज्म है।
और सरकारी स्कूलों के जरिए से अगर बच्चों का माइंड इस तरीके से बिगाड़ दिया जाता होगा तो जब डिग्री पीजी बीए ग्रेजुएट करके आता है तो कैसा मसाला बनता होगा। अगर मुझे मोटा मिला सिलेबस लिखने का तो मैं कैसा लिखूंगा, ग गणपति का नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ग गधे का। किसी का कोई आपत्ति होने का कारण ही नहीं, किसी के धर्म का कोई प्रतीक तो गधा अभी तक है नहीं, न जाने भविष्य में कोई बना। सेकुलर किसको कहते मालूम है, ये नंगी तार है, मान लो इलेक्ट्रिकल तार है, इसको मुसलमान आए छूए मरेगा, ब्राह्मण आए छूएगा मरेगा, ये सेकुलर है। ये जो नंगी तार होती है ना, ये सेकुलर होती है, वो ये नहीं पूछती भाई तू हिंदू है तू मुसलमान है, तू मुसलमान है जल्दी मरेगा, दोनों को 440 का करंट लगेगा। कोई सेकुलरिज्म नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम सेकुलर मानते हैं साथियों, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा क्या लगा, अगर जमहूरियत लागू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाबा साहब अंबेडकर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने एससी को रिजर्वेशन दिया, ओबीसी को दिया, आदिवासियों को दिया, माइनॉरिटी को हुकूक दिए, जो मुस्लिम थे उनको सारे हुकूक दिए। मैं जो बोल रहा हूं ये फड़न इसकी औकात नहीं है मैं रोकने की, मेरे बाप ने मुझे बोलने का हक दिया, ब्राह्मणों से लड़ झगड़ कर हमने अधिकार दिया, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, विचार स्वतंत्रता, कौन सा धर्म अपनाना है इसकी आजादी, कौन सा कपड़ा पहनना है इसकी आजादी, आज सवेरे क्या खाना है रात को क्या खाना है इसकी आजादी, कहाँ रहना है इसकी आजादी, किस राज्य में जाकर सेटल होना है इसकी आजादी, जो जो ब्राह्मणों ने नकारे थे ये दस्तूर ने हमको दिए, ब्राह्मणों ने नहीं दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा अगर भारत में सही लोकतंत्र लागू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हाथ में कटोरा लेगा, बनिया हाथ में कटोरा लेगा और वोट की भीख मांगेगा, वोट की भीख मांगेगा। फिर उसने तरकीब ढूंढ ली, क्या तरकीब ढूंढ ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैजाबाद जिले के कलेक्टर को दिल्ली में अपने आवास पर बुलाया और उस कलेक्टर को बढ़िया से खाना खिलाया, पूरा प्लान तरकीब समझा दी और उसको लालच भी दिया तू ऐसा करेगा तो इतिहास में तेरा नाम हो जाएगा। फैजाबाद जिले में अयोध्या आता है, के नैयर नाम के एक कलेक्टर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी तरकीब समझा दी, अपने घर से राम की मूर्ति निकाली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो राम की नाम राम लल्ला की मूर्ति थी वो कलेक्टर को सौंपी और कलेक्टर ने 23 दिसंबर 1949 की मध्य रात 1 बजे बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई। किसने रखवाई भाई, महान सेकुलर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसने लिखा राहुल गांधी को भी पोत पार्सल करके भेज दिया, संघ कार्यालय भी भेज दिया, मैंने कहा इसके खिलाफ कोई झूठी बात हो तो मुकदमा दर्ज करो, लिख दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र लागू होने वाला है उसने अनुमान किया, अगर लोकतंत्र 100% लागू हो जाएगा, सही ढंग से लागू हो जाएगा तो अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को भीख मांगना पड़ेगा, जिनकी आबादी 3% है, 3% का मतलब आप जानते हो, 3% का मतलब है जो गांव का सरपंच नहीं चुन सकते, जो गांव का सरपंच नहीं चुन सकते वो एमपी एमएलए कहां से चुनेंगे। उन लोगों ने नेहरू ने वहां पर मूर्ति रखवाई, ये मूर्ति रखवाने का काम किसने किया भाई, ये मूर्ति रखवाने का यानी विवाद का जड़ कांग्रेस है। और आज बीजेपी काम कर रही है, इसलिए मोहन भागवत चिल्ला रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत हमारा नारा नहीं था, अब चिल्ला रहा है। अमित शाह कह रहा था, नरेंद्र मोदी कह रहा था 2014 में कि हम उसको खत्म करेंगे,
नरेंद्र मोदी मनोहर भागवत कह रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत हमारा अभियान नहीं है। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बड़े नेता, उनको वहां बुलाया और उनके हाथों से संघ शाखा का उद्घाटन करवाया। तब थोड़ी थोड़ी आग खुलने लगी, मुसलमानों की थोड़ी थोड़ी आग खुलने लगी, मगर तारीखें बता रहे, इतिहास बता रहे। आज वर्तमान में बीजेपी जो मजबूत हुई है वो किसके कारण मजबूत हुई है? दो चीजों के कारण मजबूत हुई है। एक चीज है गांधी जी और दूसरा चीज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब गांधी जी की इसके लिए जिम्मेदार है। आज गांधी जी का जन्मदिन है और मथुराम गोडसे को महापुरुष कहने वाले लोग गांधी जी का जन्मदिन मना रहे। एक अमेरिका की औरत आई थी पढ़ाई करने के लिए इंडिया में इतिहास के लेकर, उसका नाम है एल आर जेलियट, उसका नाम है, याद रखो, एल आर जेलियट। वो भारत में आई और गांधी और अंबेडकर के बीच में किस बात का झगड़ा था इसका स्टडी करने लगी, तो वो गुजरात गई और गुजरात में गांधी जी के पीए की डायरिया मिली। मैं भी गुजरात में जाता हूं कार्यक्रम के लिए, तो 2 साल पहले मैं साबरमती गया, उस संत की भूमि पर गया और मैंने भी डॉक्यूमेंट खरीद लिए और जितने डॉक्यूमेंट गांधी के वो सारे डॉक्यूमेंट खरीद लिए। अब गांधी का एक एक पन्ना मेरे पास है, बोलता हूं तो सबूत रखता हूं, एक एक खत मेरे पास है। गांधी जी जो बोलते थे उनका पीए लिखा था, तो उनका महादेव भाई देसाई नाम का पीए था। एक जगह गांधी जी ने बयान देते हुए कहा था, सुन लो, अपनी खुद की आंख से सुन लो, गांधी जी ने बयान देते हुए कहा था, इन मुसलमान और अछूत गुंडा को अगर आजादी मिलती है तो मैं ऐसी आजादी को लात मारूंगा। क्या कहा गांधी जी ने? इन मुसलमान और अछूत गुंडा को, शर्म कास्ट के लोगों को अछूत का, अछूतों को गुंडा कहा, मुसलमानों को गुंडा कहा और इन्हें जिन्हें गुंडा कहा वो गांधी जी को महात्मा कहते थे। वो तो शैतान थे, महात्मा कहा थे, गुंडा कहने वाला शैतान हो। चुनाव हो रहा था संविधान सभा का, गांधी जी को एक जो मुजफ्फरनगर नाम का जो जिला था, मुजफ्फरनगर बिहार यूपी से दिल्ली से लगा हुआ, वहां के भंगी लड़के ने, ग्रेजुएट भंगी लड़के ने गांधी जी को खत लिखा और खत में कहा, गांधी जी अब हर दिन हरिजन कल्याण की बात करते हो, मैंने आपको आदर्श माना और मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं पूरे भारत में भंगियों में से पहला ग्रेजुएट हूं, इसलिए आप मुझे संविधान सभा में आपका प्रतिनिधि के तौर पर भेजो ताकि मैं भंगियों की अछूतों की कुछ भलाई का कानून बनाओ। तो गांधी जी ने वो खत अपने हरिजन नाम के अखबार में छाप दिया और बगल में अपना खत छापा, उस खत का जवाब छापा। क्या लिखा गांधी जी ने उस खत में जो भंगी लड़के ने अपनी भावना रखी थी? गांधी जी ने कहा, निचले जाति के लोगों को बड़े बड़े खाब नहीं देखना चाहिए, निचले जाति के लोगों को बड़े बड़े खाब नहीं देखने चाहिए। मेरा एक हरिजन भाई मुझे कह रहा है कि मुझे संविधान सभा में चुनकर भेजो, मैं कहता हूं उसका जन्म का काम पैखाना साफ करना है। उसके अंतर्गवार लोग जब पैखाना साफ करते हैं तो पूरे बदन पर गिरता है, ये ग्रेजुएट है इसका एक गौरव मानता है, तो अपनी अकल का इस्तेमाल अपने बदन पर इसके लिए करना चाहिए, न कि संविधान सभा में कानून लिखने के लिए जाना चाहिए। ऐसे महान प्रतिनिधि असली मालूम नहीं है आप लोग, असली गांधी जब पता चलेगा तो पता चलेगा ये झूठे बात। इस पर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का लोकतंत्र में प्रजातंत्र का ही होना ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, कार्यपालिका पर 3% ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, न्यायपालिका पर 3% ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, प्रचार और प्रसार तंत्र पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। आप जिसे टीवी कहते हो हम इसको टीवी नहीं मानते, आप जिसे अखबार कहते हो हम इसको अखबार नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें हमारे इशू आते ही नहीं है, नॉन इशू को इशू बनाया जाता है, इशू को दबाया जाता है। ईवीएम घोटाला हुआ, ये मुद्दे को दफन करने के लिए ट्रिपल तलाक को चर्चा में लाया, शरीयत को चर्चा में लाया,
तुमने घोटाला किया इस चर्चा को बंद करने के लिए, मुसलमानों को वो इशू ही नहीं, उसको इशू बनाया। बटन 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 बंद है सर, बटन बंद है। ब्राह्मण लोग तो जिम्मेदार है, मगर गांधी भी जिम्मेदार है। तू 24 सितंबर 1932 को गांधी जी ने जबरन तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक करार थोपा, उस करार को पुनः करार कहते हैं, और उस करार के माध्यम से आज भी आरक्षित सीटों से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 सांसद चुनकर चले जाते हैं। वो वहां चले जाने के बाद बाबा साहब अंबेडकर को अनुभव आया, वो हमारी नुमाइंदगी नहीं करते, वो पार्टी का ईमानदार रहता है, कौन का ईमानदार नहीं रहता। हमको प्रजातंत्र में गुलाम बनाया, कैसे गुलाम बनाया, पुनः करार को थोप कर बनाया, और गांधी जी के द्वारा पुनः करार किया और आजाद भारत में इसको लागू किया, जिसके जरिए से आज वर्तमान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के ऊपर जुल्म होता है। मगर शेड्यूल कास्ट के नुमाइंदे बोलते नहीं है, आदिवासी के नुमाइंदे बोलते नहीं है, यानी ये स्लेव कौन होगी? समाज को छोड़ो, नेताओं को गुलाम बना। पार्टी सेवादार है, कांग्रेस सेवादार है, राष्ट्रवादी सेवादार है, बीजेपी सेवादार है, समाज से गद्दार है। जो ज्यादा समाज से गद्दार रहेगा उसको अगली बार टिकट मिलेगा। ये पुनः करार बाद में ओबीसी के ऊपर थोपा, बाद में आदिवासियों के ऊपर थोपा, बाद में मुसलमानों के ऊपर थोपा, आज की तारीख में मुसलमानों के नेता जो है वो अपने कौम के बारे में बोलते भी नहीं, सोचते तक नहीं है, बोलना तो दूर की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखकर अपने लोगों को समझाने के लिए डॉक्यूमेंट बनाए, एक किताब में अंग्रेजी में लिखा, क्या लिखा, पुनः करार से तीन लोग पैदा हुए, टू स्टूज एजेंट, इसका हिंदी में बहुत अर्थ है, उलझन वाला है, मध्यस्थ लोग समझ में नहीं आता, पिछले गुट समझ में नहीं आता, इसका देशी भाषा में अर्थ होता है। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, हम जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, हम जिसको नहीं चुनना चाहते हैं वो चुनकर आता है, वो सही नुमाइंदा नहीं होता है, वो ब्राह्मणों के पार्टी का गुलाम होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे लोगों को क्या कहा, अंग्रेजी में गाली दिया, टूल्स टू एजेंट, इसका हिंदी में अर्थ होता है दलाल और भले। कौन चुनकर आए? यहां नागपुर में धर्म परिवर्तन किया, शाम होटल में मीटिंग की, 15 अक्टूबर 1956 में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया, ये पुनः करार रद्द होना चाहिए, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन रद्द होना चाहिए, हमारी सही नुमाइंदे चुनकर जाने चाहिए। तब उन्होंने कहा, क्या कहा, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद और एमएलए चुनकर चले जाते हैं, वो पार्लियामेंट में चुनकर चले जाने के बाद वह अपना मुंह तक नहीं खोलते, असेंबली में अपना मुंह तक नहीं खोलते, वो मुंह तब खोलते हैं जब उनको जामड़ी आती है, मराठी में उसको जामड़ी है नहीं, जामड़ी आती है। हमारे एक जज है राजस्थान में रिटायर, उन्होंने हमको कहा, हमारे अधिवेशन में आकर कहा, बाबा साहब इतना गंदा कह रहे थे, कभी कभी हमको बुरा लगता था, दलाल और भड़वे कहना, मैं जा रहा था गाड़ी से, मैं जैस था तो उस समय, और उस समय मैंने क्या किया, उस समय मैं वहां गया तो मेरे साथ बड़े पार्टी का सवर्ण कैंड नेता था जो सभापति था, उसमें मैं भी था, उसमें शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट था, गाड़ी चल रही थी, सायरन बज रहा था, बीच में ही वो सवर्ण कैंडिडेट ने गाड़ी रुकाई, जो सभापति था उसने दरवाजा खोला, दौड़े दौड़े भागा चला गया, सब लोग समझ गए पेशाब का मामला नहीं, दो नंबर का मामला है।